माय ऑल लवली व्यूअर्स, वेल भाई कैसे हो आप सब? डेफिनेटली चंगे भले हो गए। मैं आपकी व्लॉगर मारफा नवाज अहमद आप सभी को वेलकम करती हूँ एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि भाई मैंने अपने चैनल पर दीघा सीरीज ऑन कर रखा है, और ऐसे में अगर मैं दीघा आई हुई हूँ तो दीघा में फूडिंग क्या है, यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या चीज अवेलेबल है, वैसे सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूं। तो भाई चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। मैं जब तक दीघा में हूँ क्या खाती हूँ, क्या चीजें यहाँ पे मिलती है, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगी कि वो दिखाऊं। फिलहाल मैं बता दूं कि मैं रुकी हूँ होटल सिग्नेट में, और यहीं पे अभी हम लोग करने वाले हैं सबसे पहला अपना मील। तो जा रहे हैं हम लोग करने के लिए लंच, तो चलिए दिखाते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत यहाँ से। कम तो भाई फ्रेंड्स, ये है सिग्नेट रेस्टोरेंट वाला एरिया, तो अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। और करते हैं अपना लंच। चलिए वहां चलकर हम लोग बैठ जाते हैं। अगर आप लोग दो आदमी आए हो तो यहाँ भी बैठ सकते हो, अगर फैमिली लेकर आए हो तो वहाँ भी बैठ सकते हो आप लोग। तो हम लोगों तो भैया फैमिली है, तो हम लोग साथ में वहाँ पे बैठेंगे। मैं अभी आप लोगों को वहाँ पर ले जाकर पूरा दिखा दूँगी पोर्शन। तो दिस इज़ द किचन एरिया एज यू ऑल कैन सी फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों ने टेबल ज्वाइंट करवा लिया है। तो भाई ये देखिए जुनैरा बैठी है यहाँ पे। भूख लगा है? अच्छा, इसको भूख लगा है, ये तो कुछ खाती ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं खाने का, ठीक है। अच्छा ऊपर का नज़ारा देख लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अंदर का तो नज़ारा दिखा दिया है, अब मैं ना ज़रा आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा दूं कि यहाँ से खाते खाते आपको कितना अच्छा व्यू दिखेगा। ये देखिए व्यू देख ले कितना ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है। ये हमारी आंटी यहाँ पे बैठी है और ये मैं। तो अब खाना आ जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ खाना शेयर करूंगी कि आज के खाना में हम लोगों का क्या है, क्योंकि भाई ये ब्लॉग ही पूरा खाना के ऊपर है, तो मेरे साथ बने रहिए। भाई फ्रेंड्स ये देखिए हम लोगों ने ऑर्डर किया है प्लेन राइस विथ बटर चिकन एंड यहाँ पे झूरी भाजा एंड यहाँ पे दाल। दाल देख लें, दाल का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और यहाँ पे आलू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे सैलड। फ्रेंड्स हम लोगों ने एकदम अभी लाइट लंच ऑर्डर किया है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ट्रैवलिंग के बाद ज़्यादा हैवी खाना खाने से डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए अभी इस वक्त थोड़ा हल्का खाना। नहीं, तो भाई अब मैं खाना टेस्ट करके देखती हूँ कि खाना कैसा है यहाँ का। ये देखिए खाना का टेस्ट अच्छा है, तो अब मैं खा लूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। भाई फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सिर्फ एक फूड ब्लॉग है, मतलब कि सिर्फ फूड ही फूड मैं आप लोगों को इसमें दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच, इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा मिलूँगी शाम के टाइम दीघा सी बीच वाले एरिया में, जहाँ पर आपको शाम के नाश्ते के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लो जी भाई फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आप सब से लंच के टाइम में कहा था कि इस लंच के बाद सीधा मैं आप लोगों को शाम के वक्त मिलूंगी सी बीच वाले एरिया में, तो मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ सी बीच वाले एरिया, मतलब कि ये न्यू दीघा का सी बीच एरिया है जो कि हमारे होटल के एकदम पास में ही है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं।
फ़िश फ्राई, प्रॉन फ्राई, साथ में आपको बहुत सारे यू नो कबाब वगैरह, बारबेक्यू वगैरह मिल जाएंगे, और साथ में आप ऐसे मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो शाम को अगर आप दीघा सी बीच वाले एरिया में हो ना, तो आपका शाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि एक तो आप मार्केटिंग कर सकते हो, साथ में आप बहुत सारे खाने के जो ऑप्शंस वहाँ पे मिलते हैं वो लेकर आराम से सी बीच के पास बैठकर समुंदर का नज़ारा देखते हुए अपने यू नो इन्जॉय कर सकते हो वेव्स को, ठीक है। और सामने जितने सारे होटल्स वगैरह है वो है। आइए एक और चीज़ दिखाती हूँ, कबाब यहाँ पे तैयार हो रहा है। शाम हम लोगों का कैसा गुजरा मैंने अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हो दीघा मार्केट के नाम से। अब मैं आप लोगों को सीधा मिलूँगी डिनर में। तो भाई फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिनर अपने होटल रूम में ही मंगा लिया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे दीघा सी बीच में घूमते घूमते और मार्केटिंग वगैरह करते करते, तो इसलिए अभी फाइनली हम लोगों ने फूड यहाँ पे मंगा लिया है अपना डिनर। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे डिनर में यहाँ पे क्या क्या आया है। तो जी भाई फ्रेंड्स, वन बाय वन करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें मंगाई है। वेज एंड नॉन वेज हम लोगों ने रात के वक्त में भी दोनों मंगाया था, जैसे लंच में हम लोगों ने मंगाया था। और ये देखिए, आलू चुरचुरी समथिंग इसे कुछ कहते हैं। दूसरे होटल्स में आप जाओगे तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, लेकिन हम लोगों ने तो ऑर्डर देकर मंगाया है इसलिए हम लोगों को कटोरी भरकर मिला है। ये देखिए दो दो कटोरी, ठीक है। दीघा एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है ना फ्रेंड्स, कि वहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही खाने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि दीघा में अगर आप प्योर वेज होटल ढूंढोगे ना, तो ये मिलना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी होटल्स देखे हैं ना दीघा में, मतलब रेस्टोरेंट होटल जो भी मैंने देखे हैं, वो सारे वेज और नॉन वेज दोनों ही सर्व करते हैं। अब मैं आप लोगों को सीधे ब्रेकफास्ट में मिलती हूँ। मेन्यू मैं आप लोगों को दिखाने लेकर आई हूँ, यहीं पर ब्रेकफास्ट होगा। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर किशमिश, काजू, हनी एंड मिल्क, शुगर, कॉफ़ी एंड दिस इज हॉट मिल्क। यहाँ पे देखिए सांभर है इसमें, ठीक है, इट इज़ रिटन हियर। एंड यहाँ पे कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी, इसमें इडली है, ठीक है। ये देखिए ब्रेड पकोड़ा एंड दिस इज पोहा, जो जैसा खाना चाहता है। प्लेन पराठा, ये देखिए अचार, ये देखिए पूरी, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे दे दिए गए हैं। अच्छा, जिसे भाजी पूरी खाने का आदत है मेरे जैसे, तो उनके लिए भाजी यहाँ पे, यहाँ पे पोटैटो विजेस, यहाँ पे पॉरेज, ये देखें ग्रिल टोमेटो। अच्छा, सुबह सुबह मैगी, ठीक है, ये देखिए टोस्ट एंड बटर एंड जैम, ठीक है। दो किस्म का जैम है, एक ऑरेंज जैम है, एक फ्रूट मिक्स जैम है, ठीक है। आइए दूसरी तरफ लेकर चलो आप लोगों को। ये देखिए बॉइल्ड एग, ठीक है, ये देखिए गजर। अच्छा, दिस इज द लाइफ काउंटर, ठीक है, यहाँ से आप चॉइस करवा के बनवा सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू शो यू ऑल वन मोर थिंग, कम हियर, एज यू ऑल कैन सी, ये पूरा फ्रूट चाट वाला एरिया है, ठीक है, जो भाई डाइट में है तो वो लोग खा सकते हैं। फ्लेवर्ड कर्ड ये वाला, ठीक है, ये देखिए लहसुन, यहाँ पे लौंग, अजवाइन, मेथी दाना, आई डोंट नो कि ये सब क्यों रखा गया है, जलजीरा, मिक्स लस्सी, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो चलिए, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अब मैं खुद नाश्ता कर लेती हूँ। तो भाई खाने के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, बट सुबह सुबह इतना ज़्यादा हार्ड खाना तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिया है इडली, सांभर चटनी एंड ये पोहा एंड ये पॉरेज, ठीक है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने लिया है एग एंड ब्रेड विथ जैम, और जुनू ने क्या लिया है, जुनू ने भी सेम चीज़ ली है। तो भाई वो सब खाने के बाद मैंने लिया है ज़रा सा फ्रूट एंड यहाँ पे चने और यहाँ पे बॉयल्ड एग। भाई यहाँ पे मैंने एक पूरी लिया है और भाजी, और
यहाँ पे मैंगो जूस थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूँ। फ्रेंड्स, ब्रेड मैंने यहाँ पे टोस्ट होने के लिए दिया है, ये देखिए आ गया। चलिए इसे लेकर अपनी सीट पर चलते हैं और खाते हैं। कम भाई मेरा नाश्ता तो हो गया है कंप्लीट एंड यहाँ पे बाकी लोग नाश्ता कर रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं और लेते हैं चाय। तो भाई ये देखें आ गया हमारा चाय और इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा मिलूंगी लंच के टाइम। लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में हम लोगों के पास काफ़ी टाइम था, तो हम लोग सीधा पहुंच गए थे न्यू दीघा सी बीच, जहां हम लोगों ने जम के इन्जॉयमेंट किया। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल मारूफ नवाज अहमद पर आ चुका है, आप लोग जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये फूड व्लॉग है, तो सीधा अब चलिए हम लोग लंच करते हैं। आइए भाई। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मंगाया है फ्राइड राइस यहाँ पे, और यहाँ पे पापड़, ये आलू भुरी एंड दैट इज चिली चिकन, दिस इज सैलड एज यू ऑल कैन सी एंड दिस इज दाल। This is fish curry and that is aloo posto. इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने चौमिन भी मंगाया है as you all can see, और इसके बाद भी हम लोगों ने एक लंच और एक डिनर किया था, बट somehow मैं भूल गई थी उस वक्त का वीडियो बनाना यहाँ पे गार्लिक चिकन। और इसी के साथ मैं आज का फूड ब्लॉग जो है यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।